हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री हरि विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीताम्बर से सुशोभित सौम्य भौहों के चढ़ाने पर मस्तक में तीन रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी रासलीला में रहने वाले रासलीला करने में सदा उत्सुक दो भुजाओं वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह श्री विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आँखों से आंसू बहाता दुखित है, हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास कला शन अयन संवत्सर आदि से स्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ, तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते
खड़ी खड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इसका निराश्रय का हाथ पकड़कर आश्रय की शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं, अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना भला कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसा नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया, इत्यादि लोकोपकारक श्री विष्णु श्री कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा, हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। सूत जी ने क्या उत्तर दिया, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। यहाँ पर छठे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। तो सभी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।